मामा आज कौन से स्टोरी सुनाने लगी हैं? आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने लगी हूँ जिसे सुन के आपको मजा आ जाए। अच्छा, बहुत 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 ज्यादा। अच्छा चलो सुनाए। अच्छा जी, अब मैं आपको स्टोरी सुनाने लगी हूँ। अच्छा जी, मैं अब आपको स्टोरी सुनाने लगी हूँ। एक ना जंगल में रहते होते हैं मेंढक, फ्रॉग, पता ना आपको? तो वो जंगल में रहते होते हैं और वो जो मेंढक होते हैं ना, वो तालाब में रहते हैं। और तालाब किसको कहते हैं? तालाब बोलते हैं पॉन्ड को, मतलब गंदे पानी का जो होता है ना, जो हर टाइप, उसको पॉन्ड बोलते हैं। उसके अंदर ना मेंढक रहते हैं। और मेंढक आपको पता ना, मेंढक किसको बोलते हैं जाना? फ्रॉग्स। फ्रॉग्स को। अच्छा, तो जंगल में ना बारिश नहीं होती बड़ी देर तक, बहुत देर हो जाती है जंगल में बारिश नहीं होती। और जब बारिश नहीं ना होती तो फिर तालाब में पानी कौन सा एक्स्ट्रा इकट्ठा होता जाएगा? और फिर पानी जो है वो आपको पता, धूप लगती है तो फिर ड्राई हो जाता है ना। और जो मेंढक होते हैं ना, वो तालाब में रहते हैं, वो उनकी फेवरेट प्लेस होती है, उसी के अंदर वो बड़े होते हैं। तो पानी जो है ना, वो ड्राई होता जाता है। और दूसरे नंबर पे जंगल के जो दूसरे बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, जैसे एलिफेंट है, जैसे वो है क्या उसका नाम है, टाइगर है, लायन है, वो सारे बड़े बड़े जानवर आके ना वो तालाब के अंदर आके ना पानी पी जाते हैं। तो जब पानी पी जाते हैं तो आपको पता पानी फिर क्या होता जाता है? खत्म। हाँ, पानी फिर ख़त्म होता जाता है। और जब वो जानवर खाने पीने के लिए यहाँ पे तालाब में आते हैं ना, तो पता क्या होता है कि बड़े ज़्यादा जो मेंढक होते हैं ना, उनके पाँव के नीचे आ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। पता है ना, मेंढक छोटे छोटे होते हैं, अब बड़े बड़े जानवरों को तो नहीं ना पता कि नीचे मेंढक है हमारे पाँव के नीचे। तो वो इस तरह बड़े ज़्यादा जो मेंढक होते हैं ना, फ्रॉग्स होते हैं, उनकी डेथ करते जाते हैं बड़े जानवर जो हैं। जो दूसरे जानवर होते हैं ना, वो जो दूसरे मेंढक होते हैं ना, वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा मेंढक ख़त्म होते जाएंगे तो फिर क्या होता है कि उनकी जो नस्ल है ना, उनकी जो मतलब नस्ल बोलते हैं, नस्ल आपको पता है किसको बोलते हैं? फैमिली को। जिस तरह आप, मैं और बाबा, आपके बाबा और आपका भाई है, हम एक फैमिली है, इसी तरह फ्रॉग्स की भी फैमिली होती है ना। तो जब फ्रॉग्स की डेथ होती जाती है तो फिर क्या होता है कि फ्रॉग्स कम होते जाते हैं। तो फिर वो लोग चाहते हैं कि हमारी तो फैमिली इस तरह बहुत कम हो रही है। और हर फैमिली के अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि डिसीजन लेता है, जो कि फैसला करता है। जैसे कि हमारे घर में कौन डिसीजन कौन लेता है? बाबा लेते हैं, जो बूढ़े होते हैं ना, जैसे मामा बाबा होते हैं, दादू होती हैं, दादा बू होते हैं, नानू होती हैं, नान जो जो बूढ़ा होता जाता है ना, फिर वो डिसीजन लेता जाता है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना एज के साथ साथ। फिर उनको तजर्बा भी होता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़। अभी अभी आपको बुरा लगता है ना कि बाबा जो हैं वो क्या हर वक्त डिसाइड कर देते हैं और पनिश दे देते हैं। तो बाबा के पास इतना एक्सपीरियंस आया, तो बाबा जो है ना वो डिसाइड करते हैं हम सब के लिए कि मैं अब आप लोगों के साथ ऐसे करूँगा। तो इसी तरह वो जो फ्रॉग होता है ना, वो भी ना बड़ा परेशान होता है अपने दूसरे जो मेंढक होते हैं ना उनके साथ। वो बूढ़ा जो होता है, फ्रॉग होता है, वो बड़ा परेशान होता है कि अब क्या करें। सारे बैठ के ना सोच रहे होते हैं कि हमारी तो फैमिली दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो अभी वो ये सोच रहे होते हैं तो दो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आ जाते हैं। स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ते हैं ना, पता ना आपको? नहीं, स्टूडेंट जिस तरह आप स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ती हो, वो फ्रॉग स्टूडेंट थे या कौन थे? नहीं, वो इंसान थे जाना। अच्छा, वो जंगल में आ जाते हैं। अच्छा, और वो मेंढक तलाश कर रहे होते हैं। भला क्यों तलाश कर रहे होते हैं? जो जब हम साइंस पढ़ते हैं ना, जब हम डॉक्टर बनते हैं, तो हमें सबसे पहले ना जो मेंढक होते हैं ना, हमें जानवरों से, इंसानों से पहले ना हमें जानवरों के ऊपर तजर्बा करना होता है ना, हमें उनका ऑपरेशन करना होता है। तो वो उन लोगों को ना पहले जो उनकी अर्ली क्लासेस होती हैं ना, उसमें उन लोगों को ना जो मेंढक होता है ना, उसका ऑपरेशन करना होता है। जैसे जानवरों का, जैसे इंसानों का करते हैं ना, तो पहले वो जानवरों पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो मेंढक को तलाश करते करते ना पूरे जंगल में ढूंढते ढूंढते उनको कहीं पर भी फ्रॉग्स नहीं मिलते, तो वो आ जाते हैं जनाब तालाब के पास। तो उनको उनको लगता है कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई मेंढक होगा। जब ये लोग सारे बैठ के सोच विचार कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, बूढ़ा मेंढक भी और दूसरे भी, तो जब उनको स्टूडेंट को देखते हैं ना, तो सारे मेंढक छुप जाते हैं, बूढ़ा मेंढक भी और जो है ना दूसरे जो
थोड़े से मेंढक रह गए होते हैं ना, वो भी छुप जाते हैं। तो बूढ़ा मेंढक कहता है, एक मिनट एक मिनट, मेरी बात सुनो, अगर हम इनसे छुप जाएंगे तो मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है, ये हमें हमारी इनके ज़रिए से ना एक मुश्किल जो है ना हो सकती है, सॉल्व हो सकती है अगर हम इसको बताएं। तो दूसरे जो फ्रॉग्स होते हैं वो कहते हैं, बूढ़े मेंढक, अगर हम इनको अपनी जो है ना मुश्किल बताएंगे तो इंसान तो हमारे दुश्मन है, ये तो हमें पकड़ते हैं, हमारा ऑपरेशन करते हैं, हमें तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तो हम नहीं इनको अपनी मुश्किल बता सकते। वो कहता है, बूढ़ा मेंढक कहता है, मुझे लगता है कि सारे इंसान जो है ना वो बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो क्योंकि आपको पता है ना, हम इन जानवरों के नज़दीक जाते हैं तो जानवर डर के हमें भाग जाते हैं, जैसे बिल्ली है, जैसे डॉगी है, इवन कि हमने पार्क में वो मेंढक भी देखे थे, हम उनको पकड़ने जाते हैं वो भाग जाते हैं ना। तो इन लोगों को, जानवरों को ये डर होता है कि ये ना हमें मार देंगे। तो सारे तो नहीं ना इंसान एक जैसे होते, जैसे आपके बाबा कहते हैं ना, इनको ना छेड़ो, ना इनको ना टच करो, इसी तरह कुछ लोग जो होते हैं ना इंसान, वो बड़ा प्यार करते हैं जानवरों से। जैसे घर में हम लोगों, जैसे हम लोगों ने घर में बिल्ली वगैरह रखी होती है ना, डॉगी भी रखा होता है, काऊ भी रखी होती है, कहीं हमने नहीं रखी, लेकिन नानों के घर है नहीं, पिजन भी हैं। तो कई जो इंसान है वो जानवरों से और जो बर्डीज होते हैं उनसे प्यार करते हैं। तो वो बूढ़ा जो मेंढक होता है वो उनको यही समझा रहा था कि सारे इंसान जो है ना एक जैसे नहीं होते, तो हम, मुझे, मेरे जहन में एक आइडिया आया, तो हम इनसे अपनी वो जो मुश्किल है ना इनको बताते हैं। वो उन्होंने पकड़ा होता है वो जार, जार होता है पता है ना आपको, जार क्या होता है, वो जो बंद डब्बा सा होता है उसके अंदर वो उनको कैद करके लेके जाते हैं ना। वो ना दो मेंढक को ना पकड़ने लगते हैं और जार में डालने लगते हैं, तो बूढ़ा मेंढक आके ना खड़ा हो जाता है, कहता है ठहरो ठहरो, एक मिनट ठहरो ठहरो, मेरी पहले बात सुनो। वो ना जो स्टूडेंट होते हैं वो डर जाते हैं, कहते हैं ये मेंढक बोल रहा है। तो कहते हैं हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ। बूढ़ा मेंढक इधर मेरी तरफ देखो, कहते हैं हाँ जी बूढ़े मेंढक क्या मसला है, कहता मुझे भी साथ लेके जाओ, इनको लेके जाओगे तो। वो कहता बूढ़े मेंढक आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें यंग जो है ना वो मेंढक चाहिए, यंग फ्रॉग्स चाहिए, हमने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, और अगर आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी तो डेथ हो सकती है, तो हम आपके ऊपर ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जो यंग होते हैं ना वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं ना, वो जो बूढ़ा होता है ना, आपको पता है ना बूढ़ा, बूढ़े जो लोग होते हैं वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो इस वजह से वो उसका रिस्क नहीं लेते। वो कहता है लेकिन मैंने आप लोगों के प्रोफेसर से बात करनी है, मैंने आप लोगों के साथ जाना है, नहीं तो मैं अपने इन दोस्तों को साथ नहीं जाने दूंगा। वो दोनों स्टूडेंट जो होते हैं वो एक दूसरे का मुँह देखते हैं, वो कहते हैं चलो सही है, हम ना इनको ना साथ ले जाते हैं। दूसरे अपने जो बाकी थोड़े से मेंढक रह गए होते हैं ना, उनको कहता है अच्छा दोस्तों मेरे लिए ना दुआ करना कि मैं अपनी उसमें ना कामयाब हो जाऊं, अपना जो जिस पे जा रहा हूँ ना, महाज पे जा रहा हूँ, मतलब जो मैं अपना काम करने जा रहा हूँ उसमें मैं कामयाब हो जाऊँ। सारे दोस्त ना उसके जो बाकी जो थोड़े से रह जाते हैं ना, वो बड़ी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बूढ़े मेंढक को ना कामयाब करना, और साथ वो डर भी रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को डर होता है कि जानवर जो होते हैं ना, जो इंसान होते हैं ना, वो जानवरों के दुश्मन होते हैं, और वो ज़रूर इनको कैद कर लेंगे या मार देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। अच्छा वो जब स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने प्रोफेसर के पास लेके जाते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं जिस तरह हमारे टीचर होते हैं ना, इस तरह कॉलेज में ना प्रोफेसर होते हैं। तो वो प्रोफेसर को जाके कहते हैं, प्रोफेसर साहब हम लोग मेंढक तो ले आए हैं, लेकिन मेंढक के साथ ना एक बूढ़ा मेंढक भी आया है और वो आपसे बात करना चाहता है। प्रोफेसर साहब बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं वो क्या हमारे साथ बात करना चाहता है। कहते हैं पता नहीं, लेकिन बहरहाल उसने कहा है कि मैंने आपके प्रोफेसर से ना बात करनी है, और एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपसे उसने बात करनी है। कहते हैं चलो सही है। तो वो ना कहते हैं हाँ भाई बूढ़े मेंढक क्या मसला है आपके साथ। वो कहते हैं बात दरअसल प्रोफेसर साहब ये है कि एक तो हमारे जंगल में काफ़ी देर हो गई है, बारिश नहीं हुई, जो हमारा तालाब है वो बिल्कुल ड्राई हो गया, दूसरे नंबर पे बड़े बड़े जानवर आते हैं और वो आके हम मेरे दोस्तों को पाँव के नीचे दे जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नस्ल है ना, हमारी हमारी जो फैमिली है ना वो कम से कम होती, हमारी जो फैमिली है ना वो दिन ब दिन ना बहुत ज्यादा हर दिन ना कम होती जा रही है, और दूसरे नंबर पे आपके जो स्टूडेंट हैं वो आ जाते हैं और आके हमारी जो बच्चे कुचे वो जो मेंढक रह गए हैं, फ्रॉग्स रह गए हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और वापस नहीं करके जाते। फिर बदले में क्या होता है, हम लोग तो फिर हमारी तो बहुत ज़्यादा फैमिली जो है वो कम हो जाएगी, और अगर फैमिली कम होगी तो हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी, हम लोग तो कम से कम होते जा रहे हैं।
तो हमारे लिए कोई इस मुश्किल का ना हल ढूंढें। प्रोफेसर साहब जो होते हैं वो सोचते हैं सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं थिंकिंग करते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा चलाओ मैं आप लोगों के साथ जंगल में चलता हूँ। प्रोफेसर साहब जनाब जंगल में जाते हैं, पूरा जंगल तलाश करते हैं। वो भला क्या तलाश कर रहे थे क्या ना, क्या कोई और तालाब जो है ना वो तलाश कर रहे थे, क्योंकि उनका तालाब तो ड्राई हो जाता है, तो वो कोई और तालाब तलाश करते हैं ताकि इन मेंढक के लिए ना वो जगह ढूंढ सकें। तो वो ना उनको एक जगह ना वो मिलता है, वो क्या उसका नाम है, एक जगह तालाब मिल जाता है। वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं वाह ये तो आसान हो गया। वो ना उसको कहते हैं बूढ़े मेंढक का, बूढ़े मेंढक मैंने आपकी मसला हल कर दिया है, ये देखे मैंने आपके लिए तालाब ढूंढ दिया है। बूढ़ा मेंढक इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, कहता है वाकई आप बड़े अच्छे प्रोफेसर साहब, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आपने तो मेरी हमारी मुश्किल हल कर दी है। इस तरह आपका भी फ़ायदा हो गया कि हमारी फैमिली जो है वो आगे बढ़ेगी, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिल जाएंगे, मतलब और ज़्यादा फ्रॉग्स मिल जाएंगे, और ज़्यादा आपके मसले जो है ना, और हमारा भी मसला हल हो जाएगा। कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं अब आप ना जार में जो आप हमारे स्टूडेंट लेके गए हैं ना, जो जार में जो आप अपने आपके स्टूडेंट लेके गए हैं दूसरे फ्रॉग्स, तो अब आप उनके ऊपर ना एक्सपेरिमेंट कर लें, आपने हमारी मुश्किल हल की है तो हम इतना तो कर सकते हैं। वो जो बूढ़ा मेंढक है वो उनको ये कहता है। प्रोफेसर साहब कहते हैं नहीं नहीं बूढ़े मेंढक कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, हम चाहते हैं कि आप अपनी नस्ल बढ़ाएं, क्योंकि इसमें हमारा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि आप अगर नस्ल बढ़ाएंगे तो हमारे पास भी एक्सपेरिमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉग्स जो हैं वो हमें मिलेंगे और हमारा भी काम चलता रहेगा। आप लोग आराम से रहें, जब आप लोगों की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और हमारा काम फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी होता जाएगा। वो जो बूढ़ा मेंढक होता है वो बड़ा खुश होता है, कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुआएं देता है। उसके दोस्त भी फ्रॉग के जो बूढ़े मेंढक के जो दोस्त होते हैं ना दूसरे, वो भी बड़ी ज़्यादा दुआएं देते हैं। तो फिर वो उनको आके कहते हैं, बूढ़ा मेंढक आके कहता है देखा मैंने कहा था ना कि लाजमी नहीं है कि सारे इंसान जो हैं वो बुरे हों, कुछ इंसान जो होते हैं वो बड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, और उन्होंने देखो हमारे लिए मुश्किल भी आसान कर दी है कि हमारे लिए एक और जगह भी तलाश कर दी है। ये तालाब तो कुछ दिनों तक बिल्कुल खाली हो जाना था, बंजर हो जाना था, और यहाँ पे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी रह जानी थी, और हमारे लिए क्या रहना था, और हमारी जो फैमिली है वो भी नहीं थी आगे बढ़नी। तो इस तरह वो जो सारे होते हैं फ्रॉग्स वो नए तालाब में चले जाते हैं, वहाँ पे पानी भी होता है, फिर हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। और जो है जनाब बूढ़ा जो मेंढक होता है वो उसके तरकीब से और उसके डिसीजन से बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि उस बूढ़े मेंढक को ना वो अपना राजा बना लेते हैं, जैसे वो बादशाह बनाते हैं ना, इसी तरह से वो उसको राजा बना लेते हैं और उसको कहते हैं कि आज से आप ही हमारे बादशाह हैं, और हम हर बात जो है ना आपकी माने करेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरकीब जो है ना वो हमें बताई है, जिसकी वजह से हमारे लिए ना बड़ी ज़्यादा मुश्किल जो है ना वो हल हो गई हैं। तो अब आप बताएं कि आपने इससे क्या लेसन लिया जाए ना, मोरल लेसन क्या लिया? अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, कौन लाजमी नहीं कि हर इंसान सेम ही सेम होता है। और जो और क्या है, हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए। सोच समझ के बात नहीं करनी चाहिए। इसमें एक लेसन ये भी है कि हमारे घर में जितने भी बूढ़े होते हैं ना या बड़े होते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई होती है, तो वो अगर हमें कोई एडवाइस देते हैं या हमें कोई डिसीजन मेकिंग में कोई डिसाइड करते हैं ना कोई चीज़ कि अब हम ये करेंगे और ये करेंगे, तो हमें उनकी बात को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जिस तरह उन्होंने बूढ़े मेंढक की बात मानी, पहले वो डर गए। और एक और बात, इस तरह और जो इंसान है उन्होंने भी सब्र किया ना जाए ना, उन्होंने भी फौरन उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं ना किया, अगर वो भी एक्सपेरिमेंट कर देते तो फिर क्या होना था, फिर वो जो बाकी जो थोड़े से फ्रॉग रह जाने थे पहले, उनकी एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है, ऑपरेशन करते हैं जिस मतलब? तरह फिर उनकी डेथ नहीं होती? नहीं नहीं फिर स्टिचेस दोबारा लगा देते हैं ना, रिस्क होता है कईयों की डेथ हो जाती है तो कईयों को, लेकिन वो जो फ्रॉग्स होते हैं ना, आपको पता है ना ऑपरेशन में कितनी ज़्यादा दर्द होती है, स्टिचेस लगते हैं ना, तो फिर इस तरह वो इंसानों ने भी दूसरी दूसरी सुनाए अब। अच्छा इसका पूरा तो सुन लो, दूसरी दूसरी सुनाए।
तो इस तरह से उन्होंने भी सब्र किया। और जो वो जो है पता है मुझे सारी मैंने देखी है। आपने कहाँ देखी है? देखी नहीं है, सुनी है आप है। आपको इससे ना लेसन लेना चाहिए, आपको अब अपने बाबा की आपके अपने मामा की बहुत ज़्यादा बात माननी चाहिए और हमेशा सोच समझ के जो है ना वो आगे आपको बढ़ना चाहिए। अच्छा मामा जाने अब दूसरी सुन है? अच्छा मैं अब आपको दूसरी सुनाऊँ? हाँ दूसरी सुनाते सुना। अब कौन सी? अच्छा दूसरी जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ ना वो दोस्ती के नाम पे है। दोस्ती सिंपली का जैसे आपकी दोस्त नहीं हरम, हाँ। जैसे आपकी दोस्त है जैनब, जैसे आपकी दोस्त है हानी, हानी जैसे आपकी दोस्त है अजवा, जैसे मेरी दोस्त है ताहा और आमना। हाँ वो तो आपसे बड़ी है ना, वो तो आप ही हैं। अच्छा अच्छा ये उस दोस्ती से मुतालिक है। हाँ। दो बहन भाई होते हैं, तो एक का नाम होता है जो भाई होता है उसका नाम होता है अरसलान, जो बहन होती है उसका नाम होता है आयशा। तो आयशा जो होती है ना वो 9th में पढ़ती है और जो अरसलान होता है ना वो 5th में पढ़ता है। लेकिन उन दोनों बहन भाइयों में ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत अच्छा रिलेशन होता है, वो एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लड़ते नहीं हैं। जैसे आप हर वक्त अपने भाई के साथ लड़ती रहती हो ना कोको बच्ची, वो नहीं लड़ता अपने बहन के साथ। तो वो अपने भाई को कहती है अरसलान मेरे प्यारे भाई मुझे ना आप ना छोड़ाओ जरा, मेरी दोस्त नहीं सादिया उसके घर छोड़ाओ, उसकी 4 फ्रेंड्स होती हैं और उन चारों की ना पोजीशन आती है अपनी क्लास में। वो लोग डिसाइड करती हैं कि हम लोग ना एक घर में ना सादिया के घर में इकट्ठे होकर ना पार्टी करेंगे, मतलब सेलिब्रेट करेंगे। जैसे आप लोग नहीं पार्टी करती हर अमहानी के साथ आप लोग करती हो और वो अनाया वगैरह आती हैं तो आप लोग पार्टी करती हो, इसी तरह से वो पार्टी करती हैं। और उसमें पार्टी में ये उन्होंने रखा होता है कि जो भी आएगा ना जो फ्रेंड आएगी ना वो घर से ना कुछ बना के लाएगी। तो ये जो आयशा होती है ना ये घर से बना के लाती है खीर। खीर आपको पता ना किसकी बनती है? चावल की और दूध की बनती है। तो ये खीर बना के घर से लाती है और बाकी सब फ्रेंड्स ने भी ना कुछ बनाया होता है और सादिया के घर में इकट्ठे होते हैं सारे कि हम ना अपनी पोजीशंस जो आई हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो वो अपने भाई को करती है अरसलान मेरे साथ चलो तो सादिया के घर चलते हैं, हमने वहाँ पे पार्टी करनी है और साथ ना ये बाउल भी पकड़ लेना खीर वाला, ये भी मैंने साथ लेके जाना। वो कहता है अच्छा आप ही चलें ठीक है। उसका जो उसकी दोस्त का जो भाई होता है ना वो उसका फ्रेंड होता है ना अरसलान का, तो वो बड़ा खुश होके जाता है, कहता है अच्छा आप ही चलो सही है हम चलते हैं। तो ना वो जाती हैं इकट्ठी होती हैं, सारे बड़े खुश होते हैं। कोई जो दोस्त होती है वो बना के लाती है घर से चाट, कोई बिरयानी बना के लाती है, ये खीर बना के लाती है, कोई रशियन सैलड बना के लाती है। और सारी बड़ी खुश होती हैं कि अब हम मिल के ना सेलिब्रेट करेंगे। तो वो अपने भाई को कहती है, सादिया के घर जब पहुंचती है ना तो आयशा अपने उसको कहती है भाई को जाके ना फ्रिज में ना खीर रखाओ, तो खीर का बोल रखा और उसके बाद आप खेलने चले जाना। तो वो अपनी दोस्तों के पास बैठ जाती है। तो थोड़ी देर में ना उसका भाई अरसलान आता है और उसके आपा को कहता है आपा कान इधर करें मैंने आपसे एक बात करनी है। उसकी बहन कहती है हाँ जी अरसलान क्या हुआ मेरे भाई? कहता है आपा आपको पता कि ना जब मैंने खीर फ्रिज में रखी थी ना तो मैंने खीर चख के देखी तो खीर के अंदर इतना ज़्यादा नमक था। उसकी बहन ना उधर ही परेशान हो जाती है, कहती है वो कैसे? कहता आपा आपने ना नमक की बजाय ना चीनी की बजाय ना उसमें नमक डाल दिया है। पता ना आपको चीनी और जो चीनी होती है ना वो उसको भी समटाइम वो नमक की तरह होती है ना, पिसी होती है ग्राइंड की होती है। तो वो बेचारी ना उसको चूँकि वो अभी छोटी बच्ची होती है 9th में अभी पढ़ती है तो उसको इतना तो नहीं ना पता होता, तो वो ना जनाब नमक डाल देती है और जो अगर मीठे में नमक डाल दें तो फिर कड़वा बन जाता है ना खाना। तो वो इतनी ज़्यादा ना नमकीन बन जाती है और इतनी कड़वी हो जाती है। वो बेचारी इतनी परेशान हो जाती है, कहती है मैं क्या करूँ? तो उसकी जो दोस्त होती है ना जिसके घर में वो सारे इकट्ठे होते हैं, तो वो कहती है कि मैं ना सबसे पहले ना मैं अपनी फेवरेट खीर खाऊँगी जो मेरी दोस्त बना के लाई है। ये बेचारी परेशान हो जाती है कि खीर के अंदर तो इतना ज़्यादा नमक है और अगर इन लोगों ने खीर खाई तो ये तो मेरा मजाक उड़ाएंगी और दूसरे नंबर पे मुझे इतनी इंसल्ट फील होगी, पता ना
आप जब कोई गलत काम करती हो तो आपको इंसल्ट फील होती है ना, फिर आप रोना शुरू कर देती हो, आप भी जुहैर भी, तो फिर इस तरह वो तो बड़ी होती है, आप तो अभी आप लोग छोटे बच्चे हो, लेकिन बच्चों की भी इंसल्ट होती है, बड़ों की भी इंसल्ट होती है, तो वो बेचारी अंदर ही अंदर सोच रही होती है दिल में, आए मैं क्या करूँ, मेरी तो इतनी ज़्यादा इंसल्ट होगी, मेरी दोस्तें जो हैं वो मेरी बड़ी ज़्यादा इंसल्ट करेंगी। तो ना उसकी जो दोस्त होती है ना, वो कहती है सबसे पहले मैं खीर खाऊंगी जो मेरी दोस्त मेरे लिए बना के लाई है, और दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जो खीर अगर मुझे मज़े की लगी ना, तो वो जो खीर है ना वो सारी मैं अपने लिए रखूंगी, मैंने किसी दोस्त को भी नहीं देनी। तो उसकी जो दूसरी दोस्त होती हैं वो हंसने लग जाती हैं, वो कहती हैं पहले खीर तो खा के देखो, हो सकता है पागल वो खीर मज़े की ना हो, और आप बड़ी खुश हो रही हो। कहती है मुझे पता है मेरी दोस्त बना के लाई है और मज़े की होगी। जब वो ना खीर का बाउल आता है तो वो बेचारी जो होती है जिसने खीर बनाई होती है वो बेचारी इतना ना परेशान होती है कि अब मेरी इंसल्ट होने लगी है। तो वो उसमें बाउल से डालती है प्लेट में, और उसकी दोस्त जब खाने लगती है तो कहती है वाह इतनी मज़े की खीर, एक ही चम्मच मुंह में लगाती है, कहती है बस अब ये खीर मेरी है, अब कोई बंदा नहीं ये खीर खाएगा, किसी फ्रेंड को नहीं ये खीर मिलेगी। वो कहती हैं अच्छा अच्छा भाई अपनी खीर जो है ना, उसकी दोस्तें कहती हैं अच्छा अपनी खीर जो है ना रख लो साइड पे, हम बिरयानी वगैरह खा लेते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो वो ना बड़ी हैरान होती है, कहती है कि अरसलान ने तो मुझे बताया था कि खीर जो है उसमें नमक तेज़ है, लेकिन ये तो कह रही है कि खीर इतनी मज़े की है। फिर उसके जहन में आता, हो सकता है अरसलान ने कहीं मजाक ना किया हो मेरे साथ, मेरा मजाक ना उड़ाया हो, लेकिन फिर उसके जहन में आता है कि मेरा भाई तो मुझे ऐसे तंग करता ही नहीं है। फिर ना सारी पार्टी जब ख़त्म हो जाती है, उसकी दूसरी दोस्तें घर चली जाती हैं, तो वो अपनी दोस्त को कहती है कि सादिया आपने जब वो खीर खाई थी तो आपको मज़ा आया था? कहती है हाँ मुझे मज़ा आया था। कहती है ज़रा खीर तो लेके आओ। वो खीर लेके आती है, वो अपनी खीर चेक करती है तो उसके अंदर इतना नमक होता है कि उसको ना वॉमिट आने लगती है। कहती आ ये क्या इतनी कड़वी खीर, और आप कह रही हो कि इतनी मज़े की है। तो वो कहती है मेरी प्यारी दोस्त आपको इसमें ना वो होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी अच्छी फ्रेंड हो, और जो दोस्ती जो होती है ना वो ये होती है कि आप अपनी दोस्त की अगर कोई उससे आपने जानबूझ के तो नहीं ये गलती की, तो उस अपनी उस दोस्त का ना आपको अपनी उस दोस्त की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी गलतियों पे ना पर्दा डालना चाहिए और उसको इंसल्ट से बचाना चाहिए। अगर मैंने खा लिया मैंने उस वक्त वो मैं कह देती आए हाय इसमें तो बहुत ज़्यादा वो नमक है, तो फिर मैं ना मजाक उड़ाती तो दूसरी दोनों दोस्तों ने उड़ाना था, फिर आपको इंसल्ट फील होनी थी, फिर आपने रोने लग जाना था। तो मैं जब आप अरसलान आपसे बातें कर रहा था ना, तब मैंने छुपके से ना मैंने पर्दे के पीछे से अरसलान की बात सुन रही थी जो आपके कान में कह रहा था, तो मुझे उसी वक्त हुआ कि मैंने कहा मैं ज़रूर अपनी प्यारी सी दोस्त को ना परेशान होने से और इंसल्ट होने से बचाऊंगी, तो फिर मैंने इस तरह से आपको बचा लिया। वो कहती है थैंक यू आप मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हो, और दोस्त ये वही होती है जो कि आपकी दूसरों के सामने इंसल्ट ना करे, चाहे आप बड़े हैं चाहे आप छोटे हैं, तो आपको ना कभी भी ऐसे फील नहीं करना चाहिए, चाहे कोई बूढ़ा जब किसी से कोई गलती हो जाए ना तो उसकी इंसल्ट फील नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है ना, आप स्कूल में पढ़ती हो तो कई बच्चे होते हैं उनकी टांग नहीं सही होती, उनका बाजू नहीं सही होता, किसी का आँख का मसला होता है तो दूसरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं ना, तो बुरा फील होता है ना जैन, उन बच्चों को कितना बुरा फील होता है। एक दफ़ा याद है ना आपकी आइस को कुछ हुआ था, आइस में ब्लड आया था थोड़ा सा, याद है ग्लासेस लगा के टीचर से नीला की क्लास में, फिर आपने आके मुझे बताया था मामा सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि ये क्या हुआ है, और कुछ बच्चे मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे, है ना बताया था ना। तो ऐसे हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो इस तरह से दूसरे बच्चे जो है ना इंसल्ट फील करते हैं, बल्कि किसी का भी बड़े किसी बड़े का भी नहीं उड़ाना चाहिए, अपने किसी फैमिली मेंबर का भी नहीं उड़ाना चाहिए। आपने अक्सर गौर किया है आप हम जुहैर का कोई मजाक की बात करें तो जुहैर गुस्सा कर जाता है ना, सबके सामने करें तो गुस्सा कर जाता है अपनी मर्जी से जो मर्जी, तो हमें ना इस चीज़ का ना ध्यान रखना चाहिए। अच्छा मामा आपने और देखी क्या स्टोरी? मैंने यही देखी है, तो अब आपने लेसन लिया है ना। अच्छा और दोस्ती में तो ये चीज़ ख्याल रखनी चाहिए, अपनी दोस्त का नहीं कभी मजाक उड़ाना चाहिए। आप रखो दोस्तों तो उनको समझाना चाहिए, जो मजाक उड़ाती है ना उनको समझाना चाहिए,
जैसे वो अनाया आपका मजाक उड़ा रही थी ना कि जायना के दांत बहुत बड़े हैं, जायना के दांत मुझे तो उसको लेकिन इनके बाबा ने किया था, समझाया था। हाँ तो अच्छा किया ना। तो आपको भी आइंदा से वो आपको कहे ना तो आपने कहना कि मेरी दोस्त आपको ना मैं मुझे भी बड़ी चीज़ें हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने कभी आपका मजाक उड़ाया क्योंकि ये दोस्ती नहीं है। ठीक है बस मैं पोनी कर दूँ ना आपकी प्यारी सी। मैं तेल लगा के आज नहीं करनी है। नहीं करनी है लेकिन पोनी तो कर दो, फिर बालों में उलझने पड़ जाएंगे। अच्छा जेर ने भी नहीं करनी है, जेर को बुखार है ना, बुखार। तो मैंने मैंने आपको तो नहीं करा देती हूँ। आए हाय मामा जानी, देखो आई लगाया ना आपके बाल जो है ना इतने ज्यादा शाइन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ, सर के ऊपर कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं? गंदो जब मैं जाऊंगी नीचे नीचे जाऊंगी, जब मैं नीचे से बराबरी कर जाऊंगी फिर भी करेंगे। जब हमारे बालों में तेल लगा हो ना तो हमारे बाल जो है ना वो बड़े ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। सारे लोग कहते हैं कि आप इसके बाल तो बड़े हेल्दी हो गए हैं। हेल्दी हो गए हैं हाँ, क्योंकि हमें जिस तरह हम लोगों को खाने की जरूरत होती है ना इस तरह बालों को किस चीज की जरूरत होती है जाने। तेल। एक मिनट एक मिनट, तो अगर हम बालों को ऑयल नहीं ना देंगे तो फिर बाल लंबे कैसे होंगे? तो हमें बालों को ना ऑयल देना चाहिए। इनकी बर्थडे